हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर कोकर। आप देख रहे हैं समीर के रिव्यूज़। और मेरे साथ जो है सादिक भाई भी हैं। सादिक भाई किधर गए वो? बेहतरीन, बस यहीं पे हूं, गायब नहीं हूं। बस यार मिस्टर इंडिया वाह वाह। ऐसे नहीं करो यार, कभी मीठा भी खाओ, नमकीन के पीछे हैं। सच नमकीन होता है ना, इसलिए कभी कड़वा भी होता है, ऐसी बात नहीं है। और क्या नाम है, मेरे साथ जो है अलीशान भाई हैं। अलीशान जो है ये पास आउट है यूएस, कौन सी एकेडमी थी? अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स। नाम याद नहीं रहता ना असल में। नहीं, और कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप सुनाएं। बस शुक्र है। अच्छा, आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पाकिस्तानी मूवीज़ और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों पर बात करेंगे। और मेन फोकस जो हमारा अलीशान भाई होंगे, लेकिन बीच में सादिक भाई भी जो है थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब करते रहेंगे। सपोर्टिंग एक्टर है सादिक भाई पीछे। तो अलीशान भाई, हाँ भाई, अच्छा, तो जैसे हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी मूवीज, पाकिस्तानी, ठीक है। अब चलो मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपसे कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आगे अपना आप जो है डिटेल बताइएगा। ये बताएंगे सबसे पहले, ये न्यू जो ईयर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, 2020, और अभी तकरीबन डेढ़ महीना हो चुका है फैब, मतलब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, मतलब, लेकिन अभी तक कोई भी पाकिस्तानी मूवी सिनेमाज में रिलीज़ नहीं हुई है। एक मूवी आनी थी वो भी बैन हो चुकी है, तो इस पर क्या कहेंगे और फर्दर कुछ और इसमें ऐड करना चाहें आप? जो देखें, मैं ये कहता हूँ कि भाई पाकिस्तानी फिल्म्स का जो वैसे रुझान रहता है, जहाँ तक मैंने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो ईद या कोई फेस्टिवल होता है उस टाइम पे रहता है। तो सिनेमा प्रोड्यूसर्स को लगता है कि भाई वो हॉलीडे सीज़न है, पीक सीज़न है, तो आवाम आएगी, फिल्म देखेगी। अच्छा, अब मसला ये होता है कि भाई बाकी टाइम जो है वो कुछ रिलीज़ नहीं हो रहा है, सिनेमा जो है वो खाली है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस तरह से हमारे फिल्म हमारे मतलब मुल्क में एक्टिंग स्कूल्स हैं, ये ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फिल्म मेकिंग के कोर्सेज आपको प्रोवाइड करती है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स और एक्टर्स निकलते हैं जिनको काम करना होता है, लेकिन मसला ये होता है कि उनका टैलेंट कहीं सामने नहीं आता, उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो मेरा ये आइडिया है कि जो कि आपका ये एक टाइम खाली जा रहा है सिनेमा में, मतलब कि जो आपका ये कहेंगे पीरियड के बिल्कुल इसमें कोई फिल्म रिलीज़ नहीं होती, तो क्यों ना ये एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो हैं वो ख़ुद से कम बजट में, जिस तरह से अगर वो अपनी थीसिस फिल्म शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, वो एक अच्छे से फीचर बना के सिनेमा वालों को दें कि भाई ये आपका एक हमारे पास एक प्रोडक्ट है, आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, आप इसको बेचिए, फिर प्रॉफिट शेयरिंग के हिसाब से हम बात कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि भाई एज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस के थ्रू हम जाएंगे तो वो हमें बहुत परेशानी होगी उससे, क्योंकि हम लोग के पास कोई स्टार नहीं है, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि हम फिल्म को इतने मतलब बड़े और कमर्शियल लेवल पे बना सकें। हमारे पास जितना पैसा था, हमने जितना हमारे पास इक्विपमेंट था, हमने उस हिसाब से स्क्रिप्ट लिखी है, बनाई है, हमारे पास फिल्म मेकिंग की नॉलेज है, लेकिन हमें बस प्रोडक्ट आपके सिनेमा के थ्रू डायरेक्टली बेचना है। हमें ऐसे नहीं कि डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू जाएँ, यहाँ जाएँ, वहाँ जाएँ, हम सिर्फ आपको जानते हैं, आप चलाएँ, आपका भी सिनेमा भरा रहेगा, आप प्रोडक्ट भी बिकता रहेगा, उस तरह से ये होगा कि भाई पब्लिक देखती रहेगी ना कि पाकिस्तानी फिल्में आना शुरू हो गई हैं। देखिए, रिस्क है, शुरू में रिस्क है, थोड़ा स्लो होगा, लेकिन उसमें भी आपका फ़ायदा ये है कि आपका प्रोडक्शन, आपका प्रमोशन कॉस्ट बच सकता है, क्योंकि अगर आप उसको यूट्यूब के थ्रू प्रमोट करते हैं, आप उसको फेसबुक के थ्रू प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उसके थ्रू उसको प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स को बोलें, अपनी फैमिली को बोलें कि वो बार बार शेयर करें, थोड़े से पैसे दे के आप स्पॉन्सर जो करवाते हैं फेसबुक वगैरह पर अपना पेज या कुछ भी इंस्टाग्राम पर, तो उससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है कि अच्छा भाई क्या है ये ऐसी फिल्म क्या है जो कुछ तो आने वाला है ना, मतलब कुछ तो है। तो इस तरह से आप शॉर्ट बजट पे फिल्में निकालते रहें, तो ये सिनेमा कभी खाली नहीं होंगे। तो मेरा सिर्फ ये था कि भाई सिनेमा वालों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि भाई वो जो है इस तरह के फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करें, ना कि वो इस तरह की बात करें कि भाई उनसे कि आपके पास कोई स्टार है, अच्छा स्टार नहीं तो आप किसी चैनल का, आपके पास कोई बैकअप है, कोई प्रोडक्शन हाउस है, कुछ है नहीं भाई, अच्छा चले आपकी ये फिल्म है, हम भी एक रिस्क लेते हैं, जिस तरह आपने पैसा लगाया है, आपने रिस्क लिया है, हम भी एक रिस्क लेके चलाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग की जो स्क्रीन्स खाली है वो तो भरी रहे, ऐसा ना हो कि सिनेमा खाली रहे और हम भी परेशान ना हो, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर कोई फिल्म अच्छी निकलती है, आवाम उसे ज़रूर देखने आएगी, ठीक है, आवाम आएगी, और अगर वो फिल्म चल पड़ती है तो आज एक सिंगल स्क्रीन में जो फिल्म चली है वो मल्टीप्लेक्स में भी जा सकती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स वालों को भी तो बिज़नेस करना है, सबको पैसा तो चाहिए भाई, और जब कोई अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उससे ज़रूर मतलब प्रोमोटर्स, अपना स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स सब मिल जाते हैं,
तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, हर तरफ से एक किसी बंदे को रिस्क लेना है, लेकिन यहाँ से दो तरफ से रिस्क लेना है। एक फिल्म एस्पायरिंग फिल्म मेकर, यानी कि स्टूडेंट फिल्म मेकर, जो बोलता है कि भाई मैं फिल्म बना के फेस्टिवल में भेजूंगा। नहीं, फेस्टिवल में मत भेजो, क्योंकि होगा कुछ नहीं वहाँ पे। फेस्टिवल में आप भेज रहे हो ना, तो वहाँ पे 10,000 और पता नहीं उससे भी ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ कि फिल्में गई होंगी। तो ऐसा खरा है कि जैसे एक एक्टर ऑडिशन देने आए, एक रोल के लिए 10,000 एक्टर ऑडिशन देने आए, तो कितने आपको जो हैं वो एजेंट्स होंगे या डायरेक्टर होंगे आपको हायर करेंगे। ठीक है, आपको ये उम्मीद नहीं है, लेकिन आपके मुल्क में सिनेमा आज खाली है। यही मौका है कि आप फिल्म बना के उनको भेजो, उनको बोलो कि भाई चलाओ। कम बजट होगा तो प्रॉफिट मार्जिन अगर कम भी हुआ तो इससे पैसे तो बन सकते हैं ना, लेकिन सिनेमा खाली नहीं रहना चाहिए और फिल्में बिकती रहनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। ये नहीं कि बस फेस्टिवल में जाके मैंने चिपका दी। ठीक है, अगर हम एक्टर हैं तो हम भी बोलते हैं ना, हमें फीस दो, हमें फ्री में तो काम नहीं करना है। चूँकि मैं एज अ इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर हूँ और एक एक्टर भी हूँ, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई फ्री में। हाँ, शुरू में चलो फ्री में काम किया, आप एज अ फिल्म मेकर दोस्तों से फ्री में काम करवा लेते हो, फिर आप उससे डील बना ले कि भाई अगर फिल्म इतना बिजनेस करेगी, सिनेमा वालों ने हमें कह दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, ये आप कॉपी देख लें कि भाई फिल्म तो सिनेमा में रिलीज़ होगी। ये सोच के एक्टर भी सोचेगा कि मेरा अपना प्रमोशन हो जाएगा। अगर वो कहता है कि नहीं मुझे पैसे चाहिए, देख भाई अगर ये प्रॉफिट बना इतने पैसे तू रख लेना बाद में, लेकिन पहले ये सोच कि तुझे पूरी आवाम पाकिस्तान की देखने आएगी। सबसे पहले दिमाग में ये होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है आपकी अपनी कंट्री से, आप बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गलती फिल्म मेकर की भी है। फिल्म मेकर जो है वो कॉलेज से यूनिवर्सिटी से पास आउट होता है, वो समझता है मैं आर्ट फिल्म मेकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं फिल्म फेस्टिवल में भेज दूँ। भाई फिल्म फेस्टिवल में भेजो, कोई मना नहीं कर रहा है। बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में, हॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में जो सिनेमा में चलती हैं वो तक फिल्म फेस्टिवल में जाती हैं, उसमें कांस फेस्टिवल में जाती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बिजनेस भी तो करना है ना भाई, एक प्रोडक्ट बनाए, वरना होता कुछ नहीं है। आप निकलते हैं कैमरा लेते हैं, फिर घर का खर्चा नहीं निकलता तो आप शादी की वीडियो बनाते हैं। आपने क्या ये चीज़ इसलिए सीखी थी कि आप शादी की वीडियो बनाएं? नहीं ना, आप चाहते हैं कि आप एक फिल्म मेकर बने, लोग आपको रिकग्नाइज़ करें। तो आपको अपना प्रोडक्ट खुद सिनेमा वालों को पुश करके भेजना होगा। जब सिनेमा वाले ये देखेंगे ना कि भाई इतने सारे फिल्म मेकर्स अपना प्रोडक्ट मुझे देने आ रहे हैं, मतलब क्या है ऐसा, वो कहीं ना कहीं मरमरा के चला ही देगा। वो बोलेगा ठीक है चलो फिल्में तो आ रही है ना, फिल्में तो आ रही है ना, फिल्में तो आ रही है ना, चला दो, एक हफ़्ता तू पकड़ ले भाई, एक हफ़्ता तू पकड़ ले, एक हफ़्ता तू पकड़ ले। इस तरह से रोटेशन स्टार्ट होगी। ये जो खाली खाली महीने जा रहे हैं कि भाई ईद दो दफ़ा आती है, ईदुलफ़ितर और ईदुलअधा, बाकी आपके समझ लो 10 महीने तो खाली होते हैं ना, तो 10 महीनों को उस गैप को फिल इन करने के लिए आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई फिल्म जो है ना 7-8 करोड़ में ही बन सकती है या फिल्म बनाने के लिए स्टार चाहिए। नहीं, फिल्म बनाने के लिए एक स्क्रिप्ट चाहिए, डायरेक्टर चाहिए और एक्टर चाहिए। आप अपनी सेटिंग बनाएं, जिस तरह से एक्टर्स जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो थीसिस फिल्में बनाते हैं, इस तरह से एक अच्छी फीचर बनाओ, सिनेमा वालों को दो। कितने एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स निकलते हैं, एक तो बनाएं और बेचें। आपने अच्छी बात की, काफ़ी अच्छा। इसमें दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूँगा या मैं अपने हिसाब से भी कहूँगा कि एक तो जो है हम लोग जो है ट्रेंड के पीछे भागने वाले हैं, हम ट्रेंड सेटर नहीं बनना चाहते। सबसे बड़ा एक इशू ये है, आप जैसे कहा ना कि सिनेमा जो है इस तरह ये चीज़ें करें, ठीक है। दूसरी चीज़, क्यों रिस्क लें वो, मतलब वो रिस्क क्यों लें, अगर मतलब इस तरह रिस्क लें, मतलब आप इसको आपको लगता है कि रिस्क लेना उनके लिए रिस्क कौन ले, सिनेमा ओनर्स क्यों रिस्क लें, मतलब अच्छा। उनको क्या ज़रूरत है कि वो रिस्क लें? देखें, मैं ये इतना कहूँगा कि सर पकड़ के बैठने से तो अच्छा है कि कुछ करना होगा, वरना तो आप सर पकड़ के बैठ ही रहेंगे भाई, धरना होगा। हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर एक फिल्म मेकर आपके पास इतनी होप लगा के खर्चा करके फिल्म बना के एक आ रहा है, तो भाई उसको तो एक जगह चाहिए ना फिल्म दिखाने के लिए। और दूसरा ये कि जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स वैसे ही रिलीज़ हो रही हैं, हॉलीवुड की हो गई, पाकिस्तान की हो गई, उसमें भी आप कुछ खास बिजनेस तो नहीं कर रहे। तो कहने का मकसद है कि जो यंग एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को प्रमोशन मिलेगी तो ऑडियंस के सामने नए नए लोगों का, मतलब वो लोग आरास्ता हो जाएंगे, उनका टैलेंट खुद प्रमोट हो जाएगा, तो ऑडियंस को भी वैरायटी मिलेगी ना। तो ऑडियंस का क्या, जो देखना ही नहीं चाहती वैरायटी, वो कहते हैं कि नहीं हमें स्टार्स चाहिए। ये तो देखें, अभी कोई भी फिल्म बना लें आप, बड़ी से बड़ी फिल्म भी ले लें भाई, जिसका मैं बोलूँ तो ऐसे बात की जाए शोले की, ठीक है, तो शोले भी शुरू के दो हफ्ते तो वो पिट गई थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस ने
اسے پسند کیا, ورڈ آف ماؤتھ سے. لیکن میں ایگزامپل ہاں نہیں, ہم بات اصل میں پاکستان موویز کرتے تو انڈین ایک مووی کا, ہاں تو آپ کو خود پتا پھر جو ہے لوگ کمنٹ کیا آئے گا. تو میں نے کہنے کا مقصد ہے کہ ویسے ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ابھی اس وقت ٹاپک سے. اچھا صادق بھائی جو ہے پیچھے بے چین گھومے, صادق بھائی آپ تھوڑا سا اس پہ جو ہے اپنا ٹرپنی کرے کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میں علی شان پہلے بھی اس چیز پہ ڈسکس کر رہے تھے اور بات بالکل صحیح کہ علی شان نے کہ مطلب یہ پرابلم جو آ رہا ہے ساری فلمیں لوگ فیسٹیول میں دے دیتے ہیں اور مطلب ہوتا ہے یہ کہ وہ فلمیں چلی جاتی پھر ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ فلمیں آئی چلی گئی اور کانٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آڈینس میں پہلے تو اویئرنیس کریٹ کرنی ہے, سمجھانا ہے ماسز کو. ہم جیسے لوگ ہیں, ہم لوگ ہر طرح کا سنیما فالو کرتے ہیں, مطلب ہم بالی ووڈ بھی دیکھتے ہیں, ساؤتھ انڈین بھی دیکھتے ہیں, یعنی ہندی کے علاوہ ساؤتھ انڈین بھی, اس کے علاوہ ہم ریجن مطلب اس کے علاوہ ہم دوسرا گلوبل سنیما بھی فالو کرتے ہیں. یعنی اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہوگا پیراسائٹ آسکر جیتی تھی, ٹھیک ہے نا؟ ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیں اس کے بارے میں پتا تھا, ہمیں آسکر جیتنے سے پہلے ہمیں پتا چل گیا تھا کہ بھائی اس کو ملنا ہے, اس کو پریز ملنا ہے اور وہ جیتے گی, اور وہ جیتی باقاعدہ. اور فرسٹ ایور فلم ایسی بنی ہے جس نے ایک تو بیسٹ فارن فلم کا اوارڈ بھی جیتا اور بیسٹ فیچر فلم کا بھی آسکر میں, جس نے ہسٹری کریٹ کی. اس طرح کیا اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے, لیکن ہم اس چھوٹے چنک میں آتے ہیں 10-20% لوگوں میں جن کو پتا ہے, جو کانٹینٹ فالو کرتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کانٹینٹ فالو نہیں کیا جاتا, یہاں پہ اسٹار کو فالو کیا جاتا ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بالکل, مطلب آپ کیا اس میں ایڈوائز, جیسے کہ علی شان بھائی نے بتایا کہ یار انہوں نے جو کچھ آئیڈیاز دیے, ٹھیک ہے آپ ایگری کرتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی بھی ہے؟ بات بالکل میں اگری کرتا ہوں. ایک تو یہ جو انہوں نے بات کی اسی کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ساری فلمیں جو ہے نا فیسٹیول میں چلی جاتی, فیسٹیول کے بجائے اس کو سنیما چاہیے. اب ایک آپ نے فلم بنائی ہے فیچر فلم, یا چلو جس طرح کی بنائی ہے, مطلب اب جیسے لاسٹ ایئر لال کبوتر آئی تھی, بریلینٹ فلم, آؤٹ اسٹینڈنگ کانٹینٹ. میں نے وہ فلم دیکھی, وہ صرف 1.5 گھنٹے کی فلم تھی, مشکل سے اس کا ایک یا دو گھنٹے میں نے بھی دیکھا, ٹھیک ہے. اور مجھے ایک تو فلم کا میسج بھی سمجھ میں آیا, دوسرا یہ اس کے اگر میں ٹیکنیکل اسپیکٹس کی بات کروں تو کیمرہ ورک بہت اچھا, ساؤنڈ ایڈیٹنگ بریلینٹ, کلر گریڈنگ ایک ایک چیز. پہلے ہمیں اس چیزوں کی اتنی نالج نہیں تھی. اور وہ پتا ہے وہ کس نے بنائی ہے؟ کراچی یونیورسٹی کے لوگوں نے بنائی ہے, امیجن دیٹ. اور وہ فلم کو آپ دیکھو, اچھا وہ دیکھا جائے تو ایک طرح کا فیسٹیو پیریڈ ہمارا چل رہا تھا, ناٹ ڈائریکٹلی فیسٹیو بٹ یہ تھا کہ ہمارا ایک وہ بڑا ایک وہ چل رہا تھا, لائک 21 مارچ آئی تھنک 23 مارچ کے دوران آئی تھی شیر دل اور ساتھ میں فلم. ایگزیکٹلی, تو اتنے دیکھا جائے تو ایک چھٹی کے دن وہ فلم کو مل جانی اسکریننگ, دیٹ واز اے بگ ڈیل. اور لوگوں نے دیکھی, لوگوں نے پسند بھی کی, اور میں نے بھی اس کو دیکھا تھا. تو اس میں مجھے وہی ٹچ نظر آیا تھا جو یو نو آپ کو ایک جو آپ کو ایک اچھی فلم میں نظر آنا چاہیے تھا. مجھے ایک طرح سے ستیا کی اور گڈ فیلس کی یاد آ گئی تھی, وہ اتنی اچھی تھی دیکھا جائے تو. اٹ واز ناٹ ریئلی اباؤٹ گینگ, بٹ ایک یہ تھا کہ یار کرائم جانرا ہے, وائلنٹ جانرا آپ کو چاہیے, تو ویسی چیز اس نے دکھائی, انہوں نے اپنی طرح سے پوری کوشش کی. تو انہوں نے یہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ بالکل ویسا ہی ہے کہ بھائی اس طرح کے ہمارے پاس فلم میکرز موجود ہیں, ہمارے پاس بنانے والے لوگ ہیں, ہمارے پاس ایکٹر بھی ہیں. مسئلہ سارا یہ آ رہا ہے کہ اس کو پروموٹ کوئی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, اور دوسرے اویئرنیس ساری نہیں آ رہی ہے. اب لال کبوتر کی میں بات کروں تو لال کبوتر نے بزنس جو کیا نا وہ بہت مشکل سے کیا, اس نے مشکل سے اپنی کاسٹ ریکور کی ہے, وہ پروفٹ میں نہیں گئی فلم. اسی کو کمپیئر کرو آپ شیر دل, جو اسی کے ساتھ ریلیز ہوئی تھی. حالانکہ شیر دل انفارچونیٹلی اس کا ٹاپک مزیدار نہیں تھا, میں نے فلم دیکھی وہ بہت بڑی ہٹ ہوئی چلی. یس, اس نے کاسٹ بھی ریکور, مطلب اس سے ایوریج لال کبوتر سے کمپیئر کرو تو بہت بڑی ہٹ, لیکن اتنی نہیں. دیٹ واز پرواز جنون 2.0. ریزن یہ کہ پیٹریوٹزم پہ ہے نا, تو آپ دیکھ لو شیر دل واز ناٹ شیر دل, شیر دل واز پرواز جنون 2.0. وہ دیکھا جائے تو اس میں کوئی آپ کو نیا کانٹینٹ نظر نہیں آیا, لیکن اس میں نون ایکٹرز سے نون فیسز سے نون فیسز سے. دوسرا یہ تھا کہ بھائی آپ نے سائیکل ذوالفقار تھا, ہاں ہاں, اور ڈسٹریبیوشن ہاؤس نے اس کو پروموٹ کیا, اس کو اسکرین زیادہ مل گئی اور پھر لوگ دیکھنا چاہتے تھے. اب پرابلم سارا یہ ہے نا, ہماری سائیکی ایسی ہے, ہم کنٹینٹ کو اپریشیٹ نہیں کرتے. اچھا ایک چیز آپ دونوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو موقع دیا جائے, تو موقع کے لیے تو یوٹیوب وغیرہ بھی, اگر آپ کو پروف کرنا ہے, آپ لائم لائٹ میں آنا ہے, آپ پھر خود ہی آپ کو جو ہے ہر مطلب بڑے پروڈیوسر بھی اپروچ کریں گے, یا اگر آپ ساری بات یہ آ رہی ہے اس میں پیشنس چاہیے, سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمیں پیشنس چاہیے. اور پیشنس مسئلہ یہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, پرابلم یہ ہے. بیکاز اگر آپ کو پیشنس چاہیے نا, اب انڈیا میں یا کوئی اچھا ملک ہے وہاں پہ کیا ہے, پیشنس وہاں پہ اس لیے لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں, ان کو پتہ ہے میں محنت کر رہا ہوں تو میرے پاس پروڈکشن ہاؤسز ہے جس کو میں اپروچ کر سکتا ہوں. دوسرے ہیں وہاں پہ ویورشپ ہے. ہمارے پاس پرابلم یہ آ رہا ہے, اگر پاکستانی کانٹینٹ آ رہا ہے نا تو ویورشپ کا مسئلہ ہے ہمارے پاس. اگر دیکھا جائے تو اگر ویب سیریز میں لوگ دیکھ لیں یوٹیوب کے اوپر ہی, تو صرف تیلی ہے جس کا نام مشہور ہے, جس کو لوگ جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اس طرح کے جو میڈیمس اویلیبل نہیں ہے, اور دیکھا جائے تو صرف ایسے ہی لوگ چل پاتے ہیں تیلی بھی. لیکن اس میں ایک اچھی چیز ہے نا کہ تیلی کو جب لوگ مطلب پسند کر رہے ہیں یا ان کو لوگ جانتے ہیں, تو اور بھی لوگ اگر اتنی ایفرٹ دکھائیں, تھوڑا کوشش کریں, تو ان کو بھی لوگ جاننے لگیں گے. لیکن اس پہ چلنے کے لیے 4-5 سال چاہیے. لیکن اگر آپ کو آپ کے ٹیلنٹ پہ کسی چیز پہ بھروسہ ہے, دیکھیے میں کہتا ہوں کہ میں ایک ایکٹر ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ماں کے پیٹ سے نکل کر ہی ایکٹر بن گیا. میں نے اس پہ محنت کی, کام کیا,
मैं स्कूल गया, मैंने पढ़ाई की, मैंने सेक्रीफाइसेस की, टाइम की, अपनी दूसरी पढ़ाई की, मैंने डांट भी बहुत खाई अपने घर वालों से। मैं तो कहता हूँ कि भाई घर वालों से भी जीतना एक बहुत बड़ी जंग होती है कि भाई अगर आप आर्ट की फील्ड को चूज़ करते तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई इसमें क्या करोगे। तो जब आप इतनी सेक्रीफाइसेस करके इस मुकाम पर पहुँचते हैं और आपको होता है कि यार एक रिस्क ले लो कुछ तो हो सकता है और आप उसमें आप ढसल जाते हैं, तो फिर ऐसा हो नहीं सकता ना। आपको एक तो रिस्क लेना होगा। जब आप अपनी ज़िंदगी के साथ एक रिस्क ले लेते हैं कि ये सोच के 22 साल की उम्र में मैंने एक्टिंग स्कूल या फिल्म स्कूल ज्वाइन कर ली, जबकि मैं डॉक्टर बन सकता था, इंजीनियर बन सकता था, लॉयर बन सकता था, कॉर्पोरेट जॉब ले सकता था, लेकिन मैं इसमें आया। तो जब आप 28, 30 तक होते हैं और आपने 7-8 साल अपनी ज़िंदगी के लगाए होते हैं, तो एक और क्यों आप रिस्क नहीं लेते? मैं तो आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ, ठीक है? आप इतना बड़ा सिनेमा चला रहे हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने खड़ी की है और आप खुद चाहते हैं कि उसको बचाना है, तो भाई अगर कोई आपको कुछ दे रहा है तो लेने में हर्ज क्या है? एक दफ़ा लेके तो देखो और एक दफ़ा दे के तो देखो। चलें, जो देखने वाले हैं भाई आप लोग भी जो है कमेंट करके बताइएगा, आप लोग जो है निशान भाई के बात से एग्री करते हैं नहीं करते हैं, या सादिक भाई ने जो बात कही, या आप लोग के पास क्या आइडियाज़ हैं, आप लोग क्या सोचते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के जो है मतलब यहाँ मूवीज़ के हवाले से, और जिस तरह यहाँ जो है कुछ जो बड़े प्रोडक्शन हाउस हैं वही मतलब उन्हीं का जो है कंट्रोल है ये, तो अपने आप जो है व्यूज़ वगैरह देगा। हमने छोटा सा एक डिस्कशन थोड़ा सा शायद लंबा हो गया, लेकिन होपफुली जिनको इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक ज़रूर वो हमारी पूरी कंप्लीट वीडियो देखेंगे। तो इसी तरह होपफुली जो है सादिक भाई को दोबारा से कभी ना कभी फिर आप देख पाएंगे मेरी वीडियो में, ठीक है ना, जब इनको जो है मीठा खाने का या कुछ जो है खट्टा खाने का दिल करेगा। अभी अभी तो नमकीन, अभी तो हाँ अभी तो ठीक है ना। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं अगली वीडियो में।